नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अमरीश पांडे आज आप सबको शानदार श्रृंखला लेकर आया हूं और वो भी आपको टेट सुपर टेट से संबंधित ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी जाती है और इसमें वही प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं या आने वाले हों, ठीक ना। चूंकि जब तक आप पूर्व के प्रश्नों को देखेंगे नहीं, क्वेश्चंस को देखेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पिछले प्रश्नों के बेस के आधार पर ही आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला तैयार की गई है जिसमें आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आप देखिए कि हाल ही में अंडर 19 एशिया कप को किसने जीता, ठीक ना, तो यह भारत ने जीता। हाल ही में किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की गई, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया। आपको मानव शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो 10 महत्वपूर्ण एमिनो अम्लों की संख्या पाई जाती है, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आप सबसे पूछे गए हैं, तो आइए हम इन्हीं प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला को शानदार तरीके से देखते हैं और देखते हैं आप में है कितना दम, ठीक ना। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखलाओं को देखें। ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में आपको है, ठीक ना। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, चूंकि आप जब मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार में संविधान के प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आपको जो है कि आपको एक अधिकार छीन लिया गया जिसे हम संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते हैं। इसे आपको जो है संविधान के अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया। तो इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें से आपसे पूछा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आपको वर्णन किया गया है, तब आप बताएंगे 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर या आपको जो है कि जात के आधार पर इस तरह से किसी को भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता या किसी के ऊपर बलात् प्रकार से धर्म को थोपा नहीं जा सकता। धर्म की स्वतंत्रता उसकी अभिव्यक्ति है कि वह किस धर्म के अनुसार आचरण करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से और पूछा जाता है कि ईसाई लोग जो कृपाण धारण करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत धारण करते हैं, तो आर्टिकल 25 के तहत कृपाण धारण करना आपको जो है ईसाई जो है कि सिखों का मौलिक अधिकार माना जाता है। तो आइए अगले प्रश्न में देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल नंबर आपको 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख जो है ये उल्लेख किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39D, ठीक, ये यानी कोई भी व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो या किसी जाति का हो, यदि दोनों लोगों का एक समान कार्य है तो वेतन भी समान ही दिया जाएगा। जैसे आप पुरुष हैं और आप टीचर हैं और कोई महिला है वो भी टीचर है, तो ऐसा नहीं है कि महिला होने के कारण उसे कम वेतन दिया जाए और पुरुष होने के नाते आपको ज्यादा वेतन दिया जाए, तो इस तरह की बातें नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार सभी लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। यह ऑपरेशन पोलो किससे जोड़ा गया है, जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ आंदोलन से, या आपको जो है हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई से। तब आप सबको पता होगा कि भारतीय रियासत को जो आजादी के बाद रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। इन्हें भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है। साथ ही साथ भारत में सिविल सेवा का जनक भी सरदार वल्लभ भाई पटेल
को कहा जाता है। और जो था प्रांतों के एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इस अभियान के तहत ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद राज्य को जो है एक सैनिक कार्रवाई के तहत भारत संघ में शामिल किया गया। चूंकि आजादी के बाद तीन प्रांत ऐसे थे जो देश से अलग थे, एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा कश्मीर था, ठीक ना। इन तीनों के साथ बड़ी समस्या थी। बाद में तीनों समस्याओं को समाधान कर लिया जाता है दो का, लेकिन आपको जो है कश्मीर की समस्या का नासूर आज भी हमारे आपके सामने बना हुआ है, ठीक ना। तो इसी ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम से वहां पे सैनिक कार्रवाई के माध्यम से आपको जो है कि भारत संघ में शामिल कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बात को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े ही चतुराई से अब जो है कि महासभा में अपने प्रश्नों का जवाब देते हुए जो है कहते कि ये मेरा आंतरिक मामला है और ये मेरी पुलिसिया कार्रवाई है, इस मामले में कोई भी बाह्य देश दखल नहीं करेगा। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? डीडी यानी दुर्गादास बसु, डीडी बसु जी से बोलते हैं, वे मिलर हैं या फ्रैंक मॉर्से हैं या लुई फिशर, आपको इनमें से कौन है जो है कि माने जाते हैं कि इस पुस्तक के लेखक किसे कहा गया है, तब बताइएगा। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक दुर्गादास है। ये महान आपको जो है संविधानविद भी माने जाते हैं, डीडी बसु साहब दुर्गादास महान संविधानविद भी माने जाते हैं। जबकि वेब मिलर और लुई फिशर जो थे ये दोनों अमेरिकी पत्रकार थे और गांधी जी के साथ अलग अलग आंदोलनों में ये लोग भागीदारी लिए थे, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये आपको नितिन सर के द्वारा शानदार इंडिविजुअल हिंदी पढ़ाया गया है और आप सब जिनको ए से लेकर जेड तक यानी ये भी सी डी भी नहीं आता हो वो भी आप हिंदी ग्रामर को परचेज कर सकता है और शानदार तरीके से प्रश्नों की श्रृंखलाओं को देख सकता है। साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से ग्राम विकास अधिकारी का बैच भी शानदार तरीके से संचालित है और इसमें आपको 600 क्लासेस जिसमें आपको जो है कि वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा दी गई है। इसके साथ साथ जो बच्चा लेना चाहता है वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 7007734525 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। वह राग जो सुप्रभात में यानी मॉर्निंग में गाया जाने वाला आपको राग कौन सा माना जाता है? चूंकि राग से संबंधित आपको तीन या चार प्रश्न आपके परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, वो कौन सा? तोड़ी राग, दरबारी राग, भोपाली राग या भीम पलासी राग, उस राग को क्या कहते हैं? तब मॉर्निंग में जो सुप्रभात में गाया जाता है उसे हम तोड़ी राग के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? तोड़ी राग के नाम से जानते हैं। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला में आइए। सूची वन को सूची दो से सुमिलित कीजिए और आपको जो है कि दिए गए कूट के अनुसार इसका मिलान करिए। अब देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। आपको जो है मोहिनी अट्टनम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथक जो है उत्तर प्रदेश का। यानी कुल वैसे आप सबको बता दें कि हमारे संविधान के अनुसार कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक ना, और जिसमें से 4 शास्त्रीय नृत्य आपके सामने दिया गया है और किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं इसके विषय में। तो आइए ऑप्शन नंबर आपको ए का ये, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। तो 1432 आपको ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। दो जो है आपका विकल्प के अनुसार दो बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? यानी उत्तर प्रदेश के किस शहर में ललित कला अकादमी है, ठीक ना। ये लखनऊ में है या वाराणसी में है, मथुरा में या प्रयागराज या इलाहाबाद में? आपको किस राज्य में ललित कला अकादमी
है, ठीक ना, तब आप बताएगा कि ललित कला, राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में राजकीय ललित कला अकादमी स्थित है। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाकुंभ प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष या 16वें वर्ष? तो महाकुंभ का आयोजन जो है ये 12 वर्षों पर आयोजित किया जाता है, जबकि 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ का आयोजन, 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ का आयोजन। वैसे हमारी सनातनी परंपरा के अनुसार जो है कुंभ का आयोजन तो वैदिक काल से ही होता आया है, लेकिन आपको जो है इतिहास के पन्नों में जानकारी जो है ये हर्षवर्धन के काल से मिलती है। हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के राजा हुआ करते थे, अपने शासन काल में इन्हीं के द्वारा आपको प्रयाग में कुंभ का आयोजन जो है ये प्रारंभ किया गया। और देश में कुल 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। एक आपको हरिद्वार में, हरिद्वार में किस नदी पर? तो गंगा नदी पर ही आपको कुंभ का आयोजन किया जाता है। दूसरा प्रयागराज में किया जाता है, तो प्रयागराज जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, ठीक ना, ये संगम पर इसका जो है आयोजन किया जाता है। वही आपको उज्जैन में छिप्रा नदी पर भी किया जाता है, छिप्रा उज्जैन में, ठीक ना। ये आपको उत्तराखंड, हरिद्वार का मतलब उत्तराखंड में, प्रयागराज का मतलब यूपी में, छिप्रा जो है ये उज्जैन, उज्जैन, ठीक ना, उज्जैन में छिप्रा नदी पर किया जाता है। और फिर आपको जो है नासिक में, ये एक जो है नासिक में गोदावरी नदी पर, गोदावरी नासिक, ये आपको नासिक में ये किया जाता है। यानी कुल 4 कुंभ का आयोजन हमारे देश में होता है, और कुंभ का आयोजन 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ, और वर्ष में हमेशा कुंभ का आयोजन होता है। ऐसी जानकारी वेन सॉन्ग की पुस्तक CUK में भी मिलता है कि एक बार आपको कन्नौज में बौद्ध संगति के आयोजन के बाद वेन सॉन्ग स्वयं हर्षवर्धन के साथ आपको जो है कि प्रयागराज में आया था, जिसे महामोक्ष परिषद कहकर संबोधित किया गया है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से संचालित है, CBT 2 रेलवे के लिए, ठीक ना, ये रेलवे CBT 2 और आपको CBT ग्रुप डी के लिए भी ये आपको है। तो मात्र बहुत ही सस्ता 200 आपको 49 रुपए में और 299 रुपए में घर बैठे एकदम शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी कर सकते हैं। और खासकर उन बालिकाओं के लिए जो या वो गरीब लोगों के लिए भी ये बहुत सुविधाजनक है, जो कि पढ़ने में या शहर की ओर रुख करने में जिनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक। तो आज की दुनिया एकदम जबरदस्त, मुट्ठी में आपको दुनिया कर लो, मुट्ठी दुनिया में मतलब मुट्ठी में कर लो दुनिया, तो ये एकदम इंटरनेट के जमाने में हर कुछ पॉसिबल है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो जो 2004 में सुनामी आई थी, ये आपको हिंद महासागर में आई एक भीषण सुनामी, सुनामी अच्छा शब्द जो कहते हैं, ये किस भाषा से बना है? तब बताइएगा सुनामी का जापानी भाषा से बना है, और इसका मतलब होता है भयंकर, भयंकर, भयंकर मतलब विशाल, ठीक ना, और उसी से बना है सुनामी। और ये सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो था ये कोरोमंडल तट जो था, ये भारत का कोरोमंडल तट, ये सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, ठीक ना। इससे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र जो थे इसमें सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए, एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत सरकार की, दूसरे तरफ नदियां हैं कि किन नदियों पर कौन सी परियोजना आपको चल रही है? तब बताइएगा माटा तिला परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है, नागा अर्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, आपको पुंचपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल पर, केरल में स्थित है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा, इस तरह से 4-1-3-2, 4-1-3-2, ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर माना जाएगा,
तीन जो है ये बिल्कुल आपको सही जवाब माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आइए देखते हैं शानदार तरीके से। आप सब लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक ना। जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए, ठीक। ये दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है किस नदी पर है? ब्यास पर, चिनाब पर, रावी पर या सतलज पर? ये परीक्षा यूपी आर ओ आर ओ में ये प्रश्न पूछ चुका है, मेंस में, ठीक ना। यूपी समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है, ठीक, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है कि किस नदी पर है, ब्यास पर, चिनाब पर, रावी पर या सतलज नदी पर। तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है चिनाब नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यह आपको परियोजना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? एकदम अंबेडकर साहब चले गए, गांधी जी चले गए, लेकिन भारत में आज भी अस्पृश्यता या छुआछूत, अभी भी संविधान आजादी को 75 वर्ष हो गए, 75 क्या है, आप 80 वर्ष के कगार पे पहुंच रहे हैं, 75वें आपको जो है कि वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं, लेकिन अभी भी छुआछूत गया नहीं हमारे देश से, ठीक ना। कहीं ना कहीं जात पात, पंथवाद, ये सारी चीजें आज भी हमारे जड़ को खाए जा रही है, ठीक ना। और जो है कि ये अब इस बात का उल्लेख आर्टिकल नंबर 17 में किया गया है। आर्टिकल 17 में छुआछूत की या अस्पृश्यता के अंत की बातें कही गई हैं, ठीक ना। तो अस्पृश्यता के अंत की बातें इसी आर्टिकल में आपको की गई हैं। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला में चलते हैं। ये राजस्व लेखपाल का शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है और आप इसे परचेज कर सकते हैं, आपकी सफलता में ये काफी सहायक भी सिद्ध होगा, ठीक। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला की ओर चलते हैं। भारत में मैग्रो वन, ठीक ना, भारत में आपको जो है, भारत में मैग्रो वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है, कहाँ पे? मालाबार में, सुंदरवन में, कच्छ में या तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक आपको कहाँ पाई जाती है? तब इस प्रश्न के जवाब में आप जवाब दीजिएगा कि सुंदरवन डेल्टा में आपको मैग्रो वनस्पति सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में। नेक्स्ट अगले प्रश्न में ये देखिए, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था किसने? आपको पैट्रिक गिडीस ने, हेराल्ड बैकिंडर ने, या हॉलर लॉन बैरोज ने, या ए हर्बर्टसन ने? किसने किया था जल्दी से बताइए। एकदम शानदार तरीके से जल्दी से, पैट्रिक ग्रिडेस ने, या हेरोल्ड मैकिंडर ने, हॉलर बैरोज ने, या हर्बर्टसन ने? किसके द्वारा ये आपको किया गया था? तब बताइएगा कि हॉर्लन बैरोज के द्वारा आपको जो है मानव पारिस्थितिकी की बात की गई है, जबकि मानव भूगोल का जनक रेट जॉन को कहा जाता है, ये मानव भूगोल का जनक। नेक्स्ट, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? ये प्रश्न फंसाता है और ये सुपर टेट में भी पूछा गया था, टेट में भी पूछा गया था। वन का, तालाब का, घासिये का या शुष्क स्थल का? किसका आपको उल्टा पारिस्थितिकी बनता है? तब बताइएगा तालाब का जो है ये उल्टा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, तालाब का उल्टा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, वन, पर्वतीय या मरुस्थलीय? तो सबसे स्थिर और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र ये आपको सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी हम इसे जानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपको नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके लिए ये जो है काफी लाभप्रद भी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्नेस्ट हैकल किस संकल्पना से संबंधित थे? जीवों के उत्पत्ति से,
कार्बन चक्र से, जैविक अनुक्रम से या पारिस्थितिकी से, तब आप जवाब दीजिएगा कि अर्नेस्ट हैकल जो थे ये पारिस्थितिकी से संबंधित थे, पारिस्थितिकी से संबंधित आपको थे। थैंक यू भाई। चलिए एकदम शानदार तरीके से चाय की चुस्की के साथ, चूंकि टाइम हो गया है तो आइए हम सब शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को कर रहे हैं, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपको जो है कि तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार या विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक किसे कहा गया है? ये बासव को, गोरखनाथ को, कुजिक को या मैत्रेय को? तब तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में योगाचार संप्रदाय का आपको प्रवर्तक जो है ये मैत्रेय को कहा गया है, मैत्रेयनाथ भी कहीं कहीं मिलता है, मैत्रेयनाथ को आपको जो है ये जैन धर्म से संबंध, बौद्ध धर्म से संबंधित है आपको एक योगाचार या विज्ञानवाद, दूसरा स्यादवाद या शून्यवाद जिसके संस्थापक आपको नागार्जुन को बताया गया है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के श्रृंखला की ओर हम सब चलते हैं धीरे धीरे। ये निम्न को सही सुमिलित करिए, एक तरफ बौद्ध संगतियां हैं और दूसरे तरफ आपको जो है स्थान है, अध्यक्ष हैं, ये बातें की गई हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति जो कि राजगृह में किया गया है ये किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो चतुर्थ आपको वसुदेव के, तृतीय मोगली पुत्तिस के, आपको द्वितीय सर्वकामी और पहला का महाकश्यप के नेतृत्व में। तो इस तरह से 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर होगा, 3 जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, ये निम्न को सही सुमिलित करिए, आपको महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, ये महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं और मृत्यु तक की घटनाएं यानी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। तो घर छोड़ने, गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया है, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। तो इस प्रकार 1 2 3 4 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर, 1 जो है ये बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं के मैथ के बिग बॉस मिस्टर प्रवीण सर एकदम जबरदस्त तरीके से मैथ्स को पढ़ाए हैं, आप परचेज कर सकते हैं, आपके लिए ये सहायक भी होगा। चलिए गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थे? ये किस वंश से गौतम बुद्ध की मां संबंधित थे? शाक्य वंश से, माया वंश से, लक्ष्मी वंश से या कोलिय वंश से? तो गौतम बुद्ध की मां का नाम जो था वो महामाया था, ठीक ना, महामाया, और महामाया आपको कोलिय वंशीय थी और इनकी पत्नी यशोधरा भी कोलिय वंशीय राजकुमारी थी। कौन सी? तो कोलिय वंशीय आपको राजकुमारी थी। नेक्स्ट देखिए, संसार का पहला गणतंत्र, गणयंत्र, गणना यंत्र लिख दिए भाई, अच्छा ठीक है ठीक है, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस है, एनियक है, मार्क है या इनमें से कोई नहीं है? तब संसार का पहला गणना अंक जो है ये आपको कौन सा आता है? तब आप बताइएगा कि पहला अबेकस जो है ये संसार का पहला गणना अंक है और इसकी खोज आपको चीन में हुई थी। कहां पे? चीन में इसके अबेकस की खोज आपको जो है चीन में हुई थी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था, एलन एम टूरिंग ने किया था या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने? तो ग्राहम बेल भैया ये तो आपको किसके करते हैं, टेलीफोन के आविष्कारक, चार्ल्स बाबेज ये कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया जाता, एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार और इन्हें कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक ना, ये आपको माने जाते हैं। चलिए
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के श्रृंखला की ओर हम सब चलते हैं। ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी एक सिद्धार्थ, परम या मेधा, इनमें से विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आपको कौन सा है, तब बताएगा कि एनी एक जो है ये विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, ठीक ना। पहला डिजिटल कंप्यूटर एनी एक है और इसका आविष्कार 1946 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक जेबी एकर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको ये महत्वपूर्ण ग्राम विकास, आपको जो है ग्राम समाज एवं विकास शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला आपके सामने है और आप इसे परचेज कर सकते हो। ये देखिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो अभी ही मैंने बताया कि एनी एक जो है ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए लाया गया पहला कंप्यूटर कौन था, मनियाक था, एनीएक था, यूनिबैक था या एट बैक था, कौन सा कंप्यूटर आपको जो है कि था, तब बताइएगा। यूनिबैक जो है, यूनिबैक ये आपको वाणिज्यिक उपयोग में लाया जाने वाला पहला कंप्यूटर माना जाता है, ये पहला कंप्यूटर है जो वाणिज्यिक उपयोग में लाया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की श्रृंखला में भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया या प्रतिस्थापित किया गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में, या कम्युनिकेशनल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे में, या इंडियन रेलवे नई दिल्ली में, तब आप जवाब दीजिएगा कि पहला इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन आपको पेश किया, रूस ने किया, चीन ने किया, अमेरिका ने किया या जापान ने किया, एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के शानदार श्रृंखला आप सबके सामने से गुजर रही है और कोई भी बच्चा छोड़े ना पाए, ठीक ना, एकदम छूटे ना, एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आप सबके सामने है। आइए चाय का एक कस लेते हैं, तब तक आप लोग जवाब देते रहिए, ठीक। ए, किस देश में दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन, तब बताइएगा, जापान दुनिया का पहला देश है जहां ड्यूअल मोड वाहन पेश किया गया, ठीक ना, जापान दुनिया का पहला देश। ये नितिन सर के द्वारा शानदार हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला आप सबके लिए, आप सबके फ्यूचर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित भी है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोसिक्यूटर जो है, यानी अभियोजक विकसित किया, ये किसके द्वारा किया गया, अमेरिका के द्वारा, ईरान के द्वारा, रूस के द्वारा या चीन के द्वारा, किसके द्वारा आपको दुनिया का पहला ये विकसित किया गया, ठीक ना। चलिए बताइए, तब बताइएगा चीन के द्वारा पहला आपको विकसित किया गया, किसके द्वारा, चीन के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट देखिए, ये एक तरफ साहित्य पुरस्कार 2021 के विजेताओं की सूची है और दूसरे तरफ आपको मिलान करने की बातें की गई हैं कि मिलान करिए, सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, ठीक ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसे दिया गया है, तो दया प्रकाश सिन्हा को आपको पुरस्कार दिया गया है। वहीं युवा पुरस्कार हिंदी किसे दिया गया है, तो हिमांशु वाजपेयी को दिया गया है। बाल साहित्य हिंदी के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया है। इस तरह पहले का बे, दूसरे का से, तीसरे का ये, बी सी ए कौन किया है भाई, BCA, तो BCA आपको, ये BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप 2021 का
फाइनल किसने जीता? आपको जो है पाकिस्तान ने, श्रीलंका, भारत ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने या अर्जेंटीना ने, तब आप बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने फाइनल श्रृंखला जीती थी और ये आपको भारत जो है विजेता के रूप में, आपको जो है भारत विजेता रहा, ठीक ना, भारत जो है ये इसका विजेता रहा अंडर 19 के। ये आपको जो है कि भारत जीतने का रिकॉर्ड जो है बना, पांचवी बार ये श्रृंखला जीता है। हाल ही में किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की गई? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक या योगी आदित्यनाथ के द्वारा? तो पढ़े भारत अभियान की शुरुआत जो है ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये आपको योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, ये नितिन सर के द्वारा सामान्य ज्ञान जो है महत्वपूर्ण श्रृंखला, मैं इसे जबरदस्त तरीके से मिलकर लिखा हूं। आइए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं। वर्ष 2021 के अंत में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में आपको शामिल हुआ? बांग्लादेश, यूएई, रुग्वे या आपको मिस्र, कौन सा चौथा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का सदस्य देश बना? ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तब कह सकते हैं कि यह देश कोई और नहीं, मिस्र जो है, ये आपको जो है कि ब्रिक्स, जिसे हम BRICS, भारत, ठीक ना, ब्राजील, भारत, चीन, रूस और आपको जो है कि साउथ अफ्रीका, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण, ये पांच देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है ब्रिक्स, जो कि टोटल आबादी का बहुत बड़े, आपको जो 37% लगभग विश्व की आबादी जो है, 50% से आबादी अधिक है और 37% इकोनॉमी में भागीदारी है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया? सहारनपुर में या आपको शाहजहां में, मेरठ में या गोरखपुर में? कहां पर मोदी जी के द्वारा आपको हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तब बताइएगा कि मेरा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थापित किया गया है, ठीक ना। ये मेरठ जिला में ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में ही भारत ने 3 बार विश्व कप में, ओलंपिक में 3 बार गोल्ड पदक भी जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित रानी वेलु नाचियार की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। ये रानी जो है वेलु नाचियार, ये नाचियार कहाँ की थी? नागालैंड की, मणिपुर की, तमिलनाडु की या उत्तर प्रदेश के? तब बताएगा कि ये तमिलनाडु की थी। कहाँ की? रानी वेलु नाचियार जो थी ये तमिलनाडु की थी और इन्हें नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रद्धांजलि दिया गया। नेक्स्ट, सही सुमेलित करिए 1 जनवरी, 2 जनवरी, 6 जनवरी, 9 जनवरी। अब दूसरे तरफ आपको जो है ये दिवस, तारीख और दूसरे तरफ तारीख, ठीक ना, एक तरफ तारीख और दूसरे तरफ दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक। तब बताइएगा आपको जो है 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, ठीक, 9 जनवरी प्रवासी दिवस के रूप में आपको आयोजित किया जाता है। तब ये पहले का आपको 2 ऑप्शन आया, चलिए 2 आया, फिर देखते हैं। ये आपको 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं, हम लोग पिकनिक उकनिक खूब मनाते हैं ना, तो याद रखे रहिएगा आपको पहले का सी 2 जगह आया,
दो और एक में से पकड़ा गया भैया, अब बी को मिला लीजिए। बी जो है बी यानी दूसरे का आपको ब्रेल दिवस 4 को मनाया जाता है और 6 तारीख को वर्ल्ड वार ऑर्फन दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो इस तरह ऑप्शन संख्या 3 जो है ये बिल्कुल आपको सही जवाब हुआ। 3 जो है ये आपका शानदार जवाब माना जाएगा। ये हमारे संस्था की ओर से शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा लाजवाब पढ़ाया गया है और आप लिखा गया है और साथ साथ ये उमेश सर के द्वारा मैथमेटिक्स लिखी गई है, ठीक है ना। तो आइए अगले महत्वपूर्ण, हाल ही में लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। ये लोसार महोत्सव जो है ये उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या लद्दाख में या सिक्किम में, तब बताएगा। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया, कहां पर? लोसार महोत्सव लद्दाख में आपको मनाया गया। अगले प्रश्न में आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न रहा, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए आपको विटामिन के आवश्यक है, जिसे हम लोग नेफ्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। नेफ्थोक्विनोन जो है ये विटामिन के आपको जो है के विटामिन के ये आवश्यक माना जाता है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला की ओर चलते हैं। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो थायमीन जो कि काजू है, अखरोट है, बादाम है या बेल है, तो थायमीन का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो आपको काजू माना जाता है। थायमीन अच्छा कहते किसको है कोई बताएगा? तो विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं और इससे विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। कौन सी? बेरी बेरी। और अधिक चावल को धो देने के बाद जो चावल पकाते हैं उससे भी बेरी बेरी नामक बीमारी आपको होती है। नेक्स्ट देखिए, ये किताबें अब आपके द्वार शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और आप सबके भविष्य के लिए है, ठीक ना। तो एकदम जबरदस्त तरीके से फटाफट शेयर को, क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक। शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है। अमीनो अम्ल कितने? 15, 22, 4 या 10। तब बताएगा कि मानव शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या जो है ये 10 होनी चाहिए। कितने? 10 एमिनो अम्ल की संख्या होनी चाहिए। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखिए। लंबे समय तक निकोटीन अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग कौन सा है। तो निकोटीन अम्ल की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी है, पेलाग्रा है, स्कर्वी है या रक्त क्षीणता है। कौन सी बीमारी आपको होती है, तब आप कह सकते हैं कि निकोटीन अम्ल की कमी से आपको पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, ठीक ना, पेलाग्रा बीमारी होती है। नेक्स्ट, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। कहां पे? अमाशय में, आपको वक्रित नहीं भैया, यकृत में, आग्नाशय, पेनक्रियाज में या पित्त में। तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में जाकर जमा हो जाता है। कहां? यकृत में आपको जमा होता है। चलिए नेक्स्ट, तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार श्रृंखला समाप्त है। आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। शानदार चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, क्योंकि प्रश्न को आप जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी चीजें आपको आएंगे, वरना आपसे बहुत दूर चीजें जाती नजर आएंगे। तो आप सबके लिए शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।